नमस्कार, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं न्यूज टॉक। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। एग्जिट पोल में हंग असेंबली के आने से बड़ी राजनीतिक हलचल। आज गुजरात दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी है सौगात। सीबीएसई ने जारी किया कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम। लड़कियों ने मारी बाजी। अब खबर विस्तार से। कर्नाटक की 224 सीटों पर इस बार 73.19% वोटिंग हुई है। 13 मई को काउंटिंग राज्य के 36 सेंटर में सुबह 8 बजे शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि हार जीत का रिजल्ट दोपहर तक सामने आने की संभावना है। इस बार कर्नाटक में 2018 की चुनाव से 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं 10 एग्जिट पोल में से 4 ने दावा किया है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाएगी। दूसरी ओर कर्नाटक विधानसभा के एग्जिट पोल में हंग असेंबली के आने से राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक बार फिर जेडीएस के किंग मेकर बनने की उम्मीद है। जेडीएस ने दावा किया है कि उसे कांग्रेस और भाजपा दोनों से गठबंधन के संकेत मिले हैं। दोनों पार्टी उनसे संपर्क कर रही है। जेडीएस राज्य में 3 बार किंग मेकर बनी है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा के साथ सरकार बनाई है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद ने बताया है कि हमने गठबंधन का फैसला ले लिया है, सही समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि भाजपा ने जेडीएस के संपर्क करने वाली बात को खारिज किया है। भाजपा नेता शोभा कंदरलाजे ने कहा है कि गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। जेडीएस से हमने संपर्क नहीं किया, हमारी 120 सीटें मिलना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर के दौरे पर है। गांधीनगर में उन्होंने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से आयोजित महासम्मेलन में देश भर के करीब 91,000 शिक्षकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, मुझे भारतीय शिक्षकों के योगदान का वर्णन करते हुए गर्व हो रहा है। जब मैं सऊदी गया था, वहाँ के शाही परिवार ने मुझसे कहा था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा भारत के गुजरात से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगभग 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पीएम आवास योजना गरीबों के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पीएम आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बना दिया है। पीएम ने कहा, आज पीएम आवास योजना गरीबों के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत सारी ताकत दे रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारी सरकार हर गरीब तक खुद पहुंचने का काम कर रही है। विकास कार्यों और लाभार्थियों की सहायता करते समय हमारी सरकार न जाति देखती है और ना ही धर्म, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों का इंतजार खत्म कर दिया है। जी हां, सीबीएसई ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किए हैं। इस साल 10वीं का परिणाम 93.12% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.28% से ज़्यादा रहा। आपको बता दें कि इस बार 10th और 12th दोनों ही परिणामों में लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं में जहाँ लड़कों के मुकाबले लड़कियों का परिणाम 6.01% ज़्यादा रहा, तो वहीं 10th में लड़कों का रिजल्ट 92.27% और लड़कियों का 94.25% रहा। इसके साथ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी देने की प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सीबीएसई विद्यार्थियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कोई मेरिट लिस्ट घोषित नहीं करेगा। राजधानी में अधिकारियों पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर गुरुवार को दिल्ली सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अब इसी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र अधिकारी सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। वहीं अदालत ने साफ किया है कि जमीन कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। फैसले के बाद से प्रदेश के अफसरों में खलबली मची हुई है।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि शुक्रवार को 2 जून तक बढ़ा दी गई है। न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने गत 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के पहली नजर में सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत की कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा से सियासी गलियारों में हलचल है। शुक्रवार को पायलट की यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा अजमेर से शुरू होकर राजधानी जयपुर में खत्म होगी। जयपुर जाने से पहले दूसरे दिन उनकी पदयात्रा किशनगढ़ पहुंची और यहां से अपने समर्थकों के साथ वह आगे की ओर बढ़े। इस दौरान वह लगातार सरकार और सीएम अशोक गहलोत को घेरते नजर आ रहे। पायलट ने आज अजमेर जिले के किशनगढ़ में टोल प्लाजा के पास से यात्रा की शुरुआत की और अपने समर्थकों को भी संबोधित किया। वहीं राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। शुक्रवार को बुलाई गई बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारियों की है। पार्टी सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौर भी शामिल हुए। डोटासरा ने पुष्टि की है कि चुनावी वर्ष में पार्टी को मजबूत करने के लिए नवनियुक्त सह प्रभारियों के साथ बैठक की गई और राजस्थान से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जंतर मंतर पर कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बैठे पहलवानों का धरने का आज 20वां दिन है। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली की राउट एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेशों पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में की गई जांच और कार्रवाई रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आज 2 बजे पहलवानों के 164 के बयान दर्ज किए गए। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी देने के आदेश दिए हैं, जिस पर पुलिस के वकील ने कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी किसी से भी साझा ना की जाए। कोर्ट ने कहा है कि वह मामले में इन कैमरा सुनवाई कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सहायक सचिव WFI विनोद तोमर के बयान भी दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस की FIR में विनोद तोमर भी आरोपी है। ब्रजभूषण शरण ने अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डेटा जुटाने को कहा है। ब्रजभूषण से भी आगे पूछताछ SIT करेगी। पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण का बयान दर्ज किया गया है और कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। 4 महिला पुलिस अधिकारी सहित 6 पुलिस टीमों के साथ SIT का गठन किया गया है। 1 महिला DCP दिल्ली पुलिस की निगरानी में 10 लोगों की टीम बनाई गई है। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी भी जारी है। जी हाँ, हालात अभी भी काबू नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। इसी बीच 11 मई को फिर से एक हिंसा भड़क गई। इस दौरान हमलावरों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान की जान चली गई। वहीं बिशनपुर में IED डिफ्यूज करते समय एक जवान जख्मी हो गया। मणिपुर में हिंसा अभी भी थमी नहीं है। इसी बीच एक जवान IED ब्लास्ट होने से जख्मी हो गया। दरअसल असम राइफल को बिशनपुर जिले के एक सैतान गांव में IED होने की सूचना मिली थी। सुबह करीब 4:15 बजे असम राइफल का एक जवान स्थानीय रूप से बनाए गए IED को डिफ्यूज करने के दौरान जख्मी हो गया। मणिपुर में मुठभेड़ के दौरान एक कमांडो की जान चली गई, जबकि 5 घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार बिशनपुर जिले के श्रंगलोभी में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे के कुछ बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। दरअसल मणिपुर राज्य पुलिस कमांडो को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश पहाड़ी इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में हिरेन नाम के कमांडो की जान चली गई। पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा कम किए जाने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की। उन्होंने इसके पीछे का कारण केंद्रीय एजेंसियों से जवाब नहीं आना बताया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। बीती सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा रिव्यू करने की बात कही थी। नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में रोड रेस केस में पटियाला जेल में 1 साल का कैद काट कर लौटे हैं।
जिसके बाद आप सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को जेड प्लस से हटाकर वाई प्लस कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले महीने 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज शुक्रवार को पैराशूट जंपिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद कमांडो पैराशूट की मदद से नीचे उतर रहे थे। उसी दौरान तेज हवा में पैराशूट ड्रॉपिंग जोन से अलग हो गया। अंधेरा होने की वजह से कमांडो अंकुर कुछ समझ नहीं पाए। इसी के बाद पैराशूट हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसके बाद पैराशूट में आग लग गई और इसी आग में अंकुर भी झुलस गए। लोगों ने देखा तो तुरंत मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर कमांडो अंकुर को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार आगरा के मलपुरा में वायुसेना की ड्रॉपिंग जोन में जंपिंग के वक्त कमांडो का पैराशूट हाई टेंशन लाइन में उलझ गया, जिसके बाद कमांडो अंकुर शर्मा नीचे जमीन पर गिर पड़े और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बीती रात करीब 10:30 बजे की है। मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एक बंदा ही काफी है को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इस फिल्म में अभिनेता एक वकील का किरदार निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अभिनेता ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़ी एक बात का खुलासा किया। अभिनेता ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी डिनर छोड़ने को लेकर बात की। वैसे तो आमतौर पर लोग फिट रहने के लिए योग करते हैं, जिम जाते हैं और तीनों वक्त का हेल्दी खाना भी खाते हैं, लेकिन मनोज बाजपेयी ने अपने रूटीन से डिनर एकदम कट किया हुआ है। बाजपेयी ने कहा, मेरे दादाजी बहुत पतले और फिट थे, इसलिए मैंने भी उनकी डाइट को फॉलो करने का फैसला किया। जब मैंने उनकी डाइट फॉलो की तो मेरा भी वजन कंट्रोल में आ गया। अब 13-14 साल हो गए हैं, मैं एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करता हूँ। मैं कभी 12 घंटे की फास्टिंग करता हूँ तो कभी 14 घंटे की फास्टिंग करता हूँ। मनोज कहते हैं कि शुरुआत में रात का खाना छोड़ने में कुछ दिक्कतें जरूर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे भूख से निपटने की आदत हो गई। एक्टर ने यह भी कहा कि इस प्रैक्टिस की वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ चौक के साथ।